भाई आप ठीक हैं? फाज भाई आप भी ठीक हैं? दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, आपका भाई उमर शेख। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, टन टन होंगे, मजे में होंगे, बेहतरीन होंगे। कहना क्या चाहते होंगे जी? तो आज आपके भाई की सैलरी आ गई है, यूट्यूब की पहली सैलरी आ गई है, देखते हैं कितनी आई है और आप लोगों को बताता हूँ। और ये बाहर आ गई है सैलरी, जितनी भी आई है वो जाके देखते हैं, बैंक चलते हैं। और गाड़ी हमारी रेडी हो गई थी और आज गाड़ी के भी छोटे मोटे और काम रहते हैं, कल वीडियो देखी होगी आपने, तो वो भी जाके करवाते हैं और चलते हैं। चले फिर। और सुनाइए कल वाला व्लॉग मेरा कैसा लगा? आपको कल वाला व्लॉग अच्छा लगा या नहीं लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और तुम इधर आ जाओ भाई। हाँ जी, ये इधर आ गए जनाब, कॉल भी आ गई है, तो चलते हैं, काम शाम करते हैं, बैंक चलते हैं। और साथ ही इधर क्या नाम है, मेरा जो अकाउंट है, क्योंकि मेरा ऑफिस था मॉडल टाउन चौक पे किसी दौर में रियल एस्टेट का, तो उधर ही मेरा अकाउंट था मैदान बैंक का। तो मैंने जो यूट्यूब में अपना अकाउंट डाला था वो भी मैदान बैंक का ही डाला था, तो फिर जिधर ब्रांच होती है उधर ही जाना पड़ता है। तो फिर हम चल रहे हैं और हम पहुँच गए हैं बाईपास के पास, इंशाल्लाह कुछ ही देर में हम पहुंच गएंगे उधर। और तनख्वाह बताते हैं आपको कितनी है, सरप्राइजेज है आप लोगों के लिए, आप खुश हो जाएंगे यकीन करें। खैर मैं तो बहुत खुश हूं कि मेरी इतनी मेहनत, इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की पहली, क्योंकि मेहनत तो आपको पता है कि कितनी हो रही है, कितना एफर्ट होता है। बाकी जो मेरे काम थे उनमें इतनी मेहनत नहीं होती थी, लेकिन इससे पैसे इससे कई गुना मुझे ज़्यादा मिलते थे। लेकिन इस वाले काम में आने के बाद चलो ठीक है, जितने भी हैं शुक्र अल्लाह का, जितने भी पैसे हैं ठीक हैं, हम एडजस्ट कर लेंगे। सुना है कि मेरे थोड़े से हैं, लेकिन कोई बात नहीं, जितने भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी वाले जो मेरे काम थे, जो काम मैं करता था, उनसे तो कम है, बहुत कम है, लेकिन ठीक है हम एडजस्ट करेंगे। तो आप लोगों ने गैस करना है कमेंट बॉक्स में कितने पैसे आए हैं, और आप लोग सही गैस करेंगे तो मैं भी सही से बता दूंगा। सरप्राइज आप लोगों के लिए, चल रहे हैं, मौला मुल्तान आ गया है हमारे मुल्तान का। ये देखें, ये देखें कितना प्यारा है। शॉपिंग शॉपिंग भी करेंगे हम, मड्डी छड्डी आ गया ना, समझे? पहले मड्डी नहीं थी, पहले डेली पैसे लगते थे इधर उधर इधर उधर, अब आ गए हैं पैसे, इंशाल्लाह उड़ाएंगे। इधर हमारे थोड़ी था, इधर हमारे उड़ाएंगे। चलिए चल रहे हैं मॉडल टाउन ब्रांच, फिर देखते हैं बताते हैं। जी तो दोस्तों, इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई, हम मॉडल टाउन चौक पे पहुंच गए हैं और मैदान बैंक हमारे बिल्कुल सामने है। और मेरी तो दिल तक 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 कर रहा है। और ये देखिए, नज़र आया आप लोगों को मैदान बैंक? और रब मैदान बैंक, हम गाड़ी यहीं रोड पे लगा देंगे और फिर चलते हैं अंदर। जी तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पहली सैलरी आ गई है और हम मॉडल टाउन पहुँच में आ गए हैं। और हमारे भाई होते हैं यहाँ पे शारिक साहब। जी शारिक साहब, कहते हैं आप सैलरी आ गई हमारी? जी जी, सर वो सैलरी तो दे दें हमारी, हम बड़े खुश हैं। ओए ओए ओए, कितनी है आपको? आप नहीं बताएंगे? चलो हमारे गाइस गैस करेंगे कि हमारी कितनी सैलरी है, आप लोग बताएं कितनी है, फिर पार्टी करेंगे ग्रैंड। चलें जी, इसको लेते हैं और चलते हैं, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है। ये तो मैंने ले लिया था कैश और चलते हैं हम नीचे और फिर इंशाल्लाह गाड़ी पे बैठते हैं, फिर मुलाकात होती है आप सबसे। ये तो गाइस, आज आपका भाई बहुत खुश है और आप लोग भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आप लोग खुश हैं नहीं हैं। और चलते हैं अपनी गाड़ी के पास, गाड़ी खड़ी है और गाड़ी के छोटे मोटे जो काम है वो भी करवा लेते हैं। यार आप लोग बता दें कितना खुश हैं? अल्लाह की कसम मैं तो इतना खुश हूँ आपको बता भी नहीं सकता। और जा रहे हैं हम इसके मायके, तभी मेरा माफ करना, गुस्से में दो इसके वर्कशॉप जा रहे हैं, पैसे आए हैं तो अब खर्च तो आपको पता है कि आपके भाई करेगा टिका के, तो गाड़ी चले मेंटेन करा लेते हैं। इसका एंड्रॉयड बैलेंस का मसला है, छोटे वाला लगा हुआ है और मज़ा नहीं आता ड्राइव में, और साउंड का भी इशू रहता है इसके। तो मड्डी छड्डी आई है तो मैंने कहा थोड़ा थोड़ा आते हैं खर्च करते हैं, तो पहले उससे पहले जाएंगे हम इसके मायके, मुझे लगता है आज इसको छोड़ना पड़ेगा हमें ना, और आज हम फिर दूसरी गाड़ी ड्राइव भी करेंगे। तो चलते हैं इसके ससुराल शरीफ, इसके जो डॉक्टर हैं उनको देते हैं इसको, फिर उनसे इजाज़त लेते हैं। कॉल कॉल कॉल। अस्सलाम
जी तो फाइनली हम आ गए हैं इसके ससुराल, इसको यहाँ खड़ा करेंगे कि अब्बास भाई ने कहा था सुबह दे के जाओ गाड़ी, तो बस अब्बास भाई आ रहे हैं, इसके छोटे मोटे जो काम हैं वो हो जाएंगे अभी, और इंशाल्लाह रहमान साहब को हमने बुला लिया था, ये रहमान साहब हैं हमारे भाई भी हैं, दोस्त भी हैं, मुंशी भी हैं, बॉडी गार्ड भी हैं, हमारे छोटे मोटे काम ये सारे इसी पर करते हैं, और जितने भी काम हैं पहले दिन से आज तक मैं वीडियो में लेके नहीं आता, शर्माता था ये, लेकिन अब मैंने इसकी शर्म शर्म ना निकाल दी है, अभी हमारे साथ साथ रहेगा, हमारी वीडियो में रहेगा, और इससे हम गपशप पे लगाएंगे। ये रहमान साहब कहाँ जाना अब? अब भाई बाइक का काम कराते हैं जाके। अब ये रहमान, ये बाइक जो है रहमान साहब यूज़ करते हैं, तो रहमान साहब कह रहे हैं सर जी इसकी सीट का भी मसला है, इसका ऑयल भी लीक हो रहा है, तो जो भी इसके छोटे मोटे मसले मसाइल हैं सर जी वो ठीक करा दें। पहले ये बाइक मेरा था, मैं छोटे मोटे काम करता था, इसके ऊपर मुझे शौक था ये बाइक चलाने का। ये बाइक 2011 मॉडल है, 11 मॉडल है, मैंने 55,000 की ली थी और मैंने इसके ऊपर 75,000 लगाया था, इसको 98 में कन्वर्ट की थी। आप लोगों को पता नहीं लगेगा कि ये 98 मॉडल है, बट मुझे 98 मॉडल की शक्ल पसंद थी बाइक की, तो मैंने इसको कन्वर्ट करवा लिया था। अब 2022 से 23 मॉडल को तो ख़राब नहीं करा जा सकता, क्योंकि आपको पता है बाइक्स कितनी महंगी हो गई हैं, और बस ये देखें 98 बिल्कुल 98 में मैंने इसको किया था तैयार। अब इनको देते हैं गाड़ी की चाबी और चलते हैं हम, बाइक का काम करवा कर देते हैं रहमान साहब को, शोरूम पर भी चक्कर लगाते हैं और वापसी पर गाड़ी भी लेने आना है हमने, और ये खुलवा लेते हैं गाड़ी। जी तो गाइस आपका भाई रेडी रेडी हो गया और होंडा स्टार्ट कर लिया हमने, होंडा का वैसे साउंड वगैरह ख़राब हो गया जब से रहमान साहब के पास है ये, बैठो रहमान साहब, जब से रहमान साहब के पास है ये बाइक ख़राब हो गया है, आप इसको बनवा कर देते हैं दोबारा। जब मेरे पास था तो मैं किसी को भी नहीं देता था ये बाइक, क्योंकि मुझे पसंद ही बहुत था। अब चल रहे हैं बाइक वाले के पास, चले रहमान साहब। गाइस अब मीटर से गुजर रहे थे, हमने सोचा कबूतरों को दाना दे दें और सब आपका काम है, कबूतर दाना खा लेंगे, हमारा सबका भी हो जाएगा। ये देखें सामान पकड़ो, आप लोग मुल्तान से और यहाँ से गुजरे तो प्लीज़ दाना दे दिया करें, सब आपका काम है, सबका भी हो जाता है और सबका देना चाहिए डेली बेसिस पे। मैं गुजर रहा था तो मैंने कहा चलो इसी बहाने दाना भी हो जाएगा और सबका भी हो। इधर आए थे जंगल के बाद अपने, और ये बाइक का हमारा वो काफ़ी सारे मसले मसाइल बता रहे हैं और वो सामान लेने जा रहे हैं भाई हमारे, और ले आए आप ले आए चले जी, मैं मुझे कहते हैं साथ चलें और हम इनके साथ जाते हैं सामान। जी तो ये लिया है बाइक का सामान, और ये छल्ला है, और क्या है भैया ये भी लिया है, इसमें डलवाते हैं, वर्कशॉप चलते हैं। ये हमारे कैफी भाई हैं, कैफी भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं? ये हमारे बहुत ही प्यारे भाई हैं। ये भी ख़राब है जी, डलवाते हैं फिर बताते हैं आपको क्या क्या डाल रहा है इसके अंदर। काफ़ी सामान ले लिया हमने हुसैना कहीं से, ये सामान है, और ये हमारा भाई है छोटा प्यारा प्यारा मुन्ना मुन्ना। हाँ जी चलें, इसकी वर्कशॉप है पूरी ज़बरदस्त, और जाएँगे डलवाएँगे। ये हमारे फैमिली डॉक्टर हैं बाइकों के। आ गए जी वर्कशॉप में और हमारी मोटरसाइकिल लग गई है। रहमान साहब सारे काम करवा कर देना, एहतियात कर लेना अब, ठीक है? ये रहमान साहब ने इसका काम लगा दिया है। ये ले अंकल जी, ये हमारे बहुत ही प्यारे अंकल हैं जी, और ये लग गई हमारी मोटरसाइकिल, अब इसका काम शुरू है, इंशाल्लाह जब ख़त्म होता है फिर आपको दिखाते हैं। हाँ जी तो काम भी हो रहा था बाइक का, और हमने कहा टी पार्टी भी हो जाए, बाइक हमारी खुली पड़ी है, ड्रिंक हमारी आ गई है, और कटरा ख़राब लाए हो आप, पिया ही नहीं जा रहा, कटरा चेंज करो जल्दी जाओ मुन्ने, कटरा लेकर आओ, देख रहे हो मुन्ना हमारे से मजे ले रहा है, समझ रहे हो, समझ रहे हो। मान साहब पिए बोतल, आप इंजॉयमेंट करें, लेने को भी खाएं। हमारे रहमान साहब हैं ये, बहुत अच्छे प्यारे भाई हैं, हमारे साथ साथ होते हैं सारा दिन, पेट्रोल बंद ही हमारे साथ साथ रहेंगे इंशाल्लाह। बनी वीडियो मैं सोच रहा हूँ कि बनाया करूँ, और सिर्फ फेसबुक के लिए, यूट्यूब मुझे लगता है नहीं लाइक करते आप लोग, तो ठीक है हम नहीं बनाएंगे, हम फेसबुक के लिए बनाएंगे। तो बाइक रेडी होती है फिर आपको बताते हैं, फाइनल लुक देते हैं इसकी। सटरा हमारा आ गया है, सटरा हम डालते हैं इसके अंदर, पहले वाला निकाल देते हैं। और अभी मैंने यकीन करें, अभी मैंने 450 का पेट्रोल डलवाया और यहाँ पे बाइक आई है, और भाई ये बोल रहे हैं कि पेट्रोल ही ख़त्म हो गया। अब दोबारा उसको आधार पे दिए, मैंने कहा 1.5 लीटर पेट्रोल लिया, और प्लग भी कहता है ख़राब हो गया, प्लग हमारा जो है ना छुट्टी कर गया है, गर्म ही बहुत है ये तो। ये यकीन करें अभी प्लग ना आहो बहुत अच्छा हो गया, ज़बरदस्त हो गया है,
अब सरवाइव करना बहुत मुश्किल बात रह गई है। यानी कि बाइक का काम भी बंदा कराए तो 2-3 हज़ार रुपये जेब में हो तो बाइक का काम होता है। इतनी महंगाई होगी कसम खुदा की, एंड लेवल पे महंगाई होगी। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि बाइक का काम भी 3-4-5 हज़ार का होता है। अब ये देखें, एक चीज अभी लेकर आए कि सारी चीज़ें, उसके बाद ये दोबारा चीज़ें खुल गई हैं। बहुत मुश्किल हो गया भाई, बहुत मुश्किल हो गया। उस साइड को बंद किया तो इस वाली साइड भी बीमार हो गई। और ये देखें, यानी कि बंदा कोई भी चीज़ लेके जाए ना तो उसका छोटा सा भी काम हो तो वो इतना बड़ा खुल जाता है। यही होता है कि बेध्यानी। अब वो गाड़ी के भी साथ ऐसा है, अब गाड़ी देकर तो आए हैं, अब उसको उसने कहा तो पैकिंग क्या, बजा के पता लगेगा कि पता नहीं कौन कौन से काम करवाएगा। वो बड़ा मुश्किल हो गया जी। ये देखें, मुजम्मिल साहब लगे हुए और ये बाइक पूरा खुला हुआ है। चलो इसी बहाने इसको सर्विस भी करा लेते हैं आज ना, साफ़ सुथरी भी हो जाएगी। बाइक तो मैं टाइम भी है, इसको साफ सुथरी भी करा लेते हैं। फाइनली हमारी बाइक रेडी हो गई है और मुजम्मिल साहब से जा लेते हैं। सर अल्लाह हाफिज़। कितने का चूना लगाया? पूरे 500 का। अच्छा अंकल, 500 का चूना लगाया और 1500 रुपये ऊपर लगा दिए बाइक के, यानी कि 2000 में सिर्फ बाइक की ट्यूनिंग और छोटे मोटे काम हुए इसके। हमारी बाइक रेडी हो रही थी तो मुजम्मिल भाई कह रहे हैं मैं आपको कुल्फा खिलाता हूँ। कुल्फा खिलाएं, कह रहे हैं बहुत फेमस है। ये आप आएंगे ना दौलत गेट से अंदर वाली साइड पे तो इनकी ये वर्कशॉप भी है बाइक की और ये इनका कुल्फा है। कुल्फा खाते हैं और बताते हैं, बड़ी तारीफ कर रहे थे मुजम्मिल भाई। बस एक चल डाल दें कुल्फा चेक करेंगे इनका। ओए हो, बर्फ़ देखें कितनी लगाई हुई है इन्होंने, इतनी महंगाई में भी इतनी बर्फ़ लगाई हुई है। तो बाइक हमारा सर्विस पर दे देते हैं हम भाई जान, सर्विस पर दे दें बाइक। बाइक चला गया सर्विस पे और उससे पहले हम कुल्फा खा के बताते हैं कुल्फा कैसा है। बहुत आला है, बहुत आला है। अजान हो रही है, अजान के बाद मिलते हैं। ये तो गाइस रात हो गई है, आप देख सकते हैं सुबह निकले थे और रात हो गई है, लेकिन हमारी मोटरसाइकिल चमक रही है। चेक करें आप। वैसे ना मुझे बाइकों से और गाड़ियों से प्यार है, मोबाइलों से इन चीज़ों से प्यार है मुझे। ये देखें लश पश हो गई है, ऐसे जैसे भी शोरूम से आई है। वैसे हालात मैं भी सुन रहा था, हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हमारे मुल्तान में, बाइक वगैरह बहुत ज़्यादा चोरी हो रही है। कल एक हमारी भी बाइक चोरी हुई है छोटे भाई की, तो एहतियात करनी चाहिए, आप लोग भी एहतियात करें। चले फिर चलते हैं। थैंक यू अमान साहब। तो दोस्तों आज 40वां है, आज चेलू में देख सकते हैं आप मुल्तान घंटाघर चौक बंद हुआ है सारा का सारा। मैंने कहा आप लोगों को दिखाता चलूं। जी तो हमारे जो डेरेटा चौक के ऊपर मिस्त्री साहब का फ़ोन आया, कह रहे हैं शॉक का मसला है। शॉक पता किए हैं इधर, तो ये कह रहे हैं जी 15,000 रुपये के। अब मिस्त्री साहब कह रहे हैं कि आप आएँ वर्कशॉप फिर बात करते हैं। चलते हैं जी वर्कशॉप। निकाले रहे मान साहब मोटरसाइकिल, चाबी मेरी जेब में ही है, चाबी मेरे पास है, बैठते ही चलते हैं। दोस्तों आए हुए थे MD चौक वर्कशॉप जा रहे थे, उससे पहले हमने कहा पार्टी कर लें। रमान साहब भी गा रहे हैं और हम भी गा रहे हैं, पार्टी हो रही है हमारी, मिनी पार्टी। खाना हमने खाया नहीं था, नाश्ता भी नहीं किया था, काम हमें लगे हुए थे, अब जाके खाना भी खाएंगे। उससे पहले मिनी पार्टी। तो फाइनली हम जिधर गाड़ी देकर गए थे सुबह, उधर से दोबारा वापसी गाड़ी आ गई हमारी, जिस हाल में छोड़ के गए थे उसी हाल में। और अब अब्बास साहब की नहीं बात सुन लें, क्या कह रहे हैं जी आप? ये हफ्ते वाले दिन हैं, इसके स्प्रिंग चेंज हो गए, वो शॉक डाले हैं, तो शॉक का डिफरेंस है क्योंकि गाड़ी और है, शॉक्स और हैं। अब अब्बास साहब कह रहे हैं कि स्प्रिंग का चेंज करते हैं इसकी। ठीक है जी अब्बास साहब, ठीक है चलें फिर हम। रमान साहब फिर आप बाइक निकालें और हम गाड़ी निकाल दें। और मैंने फैसला कर लिया है कि फ़नी वीडियो इस चैनल के ऊपर नहीं आएगी, फ़नी वीडियो जिस भाई ने देखनी हो फेसबुक के ऊपर अपलोड हुआ करेगी और फेसबुक पर आया करेगी। अब यूट्यूब के ऊपर सिर्फ और सिर्फ ब्लॉग आया करेगा, डेली ब्लॉग हम बनाया करेंगे आप लोगों की खिदमत में इंशाल्लाह। और मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आपके भाई का कॉन्फिडेंस लेवल कैसा हो गया ब्लॉग बनाने में, अच्छा हो गया वो भी बताइएगा। जी दो शोरूम पे आए हैं और शहजाद भाई भी शोरूम पे आए हुए हैं, शहजाद भाई से मिलते हैं और आपको मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम शहजाद भाई, क्या हाल है? ठीक है तो ठीक है आपकी ये? अच्छा जी अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है भाई? क्या हाल है? ठीक है आप? क्या हाल है उमेर भाई? और सर मोहसिन भाई आप ठीक हैं? जी तो फाइनली काफ़ी देर शोरूम पे बैठने के बाद, गपशप होने के बाद हमारा यार जा रहा है वापसी। और जो भाई बातें कर रहे थे फजूल की, उनको भी आइडिया हो गया होगा जब फजूल की बातें कर रहे थे, फजूल बातें नहीं करनी चाहिए। जी सरकार इजाज़त है, हमारे तरह सब्सक्राइबरों को बोल दो, सब्सक्राइबर हो, भाई को सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, जिंदगी रही तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी।
इंशाल्लाह हम जाएंगे दो चार दिन बाद से ज्यादा देखे घर आपको भी लेके चलेंगे साथ। और सब्सक्राइब करो जोर से दोबारा बोलो सब्सक्राइब करो बहुत सब्सक्राइब मोदी भाई आप भी बोलो सब्सक्राइब ठीक है जानू आई लव यू बाय बाय कुछ खाना नहीं खा रहा काले अल्लाह की कसम मैं भी खा लूंगा मैंने तुम्हारा नाश्ता नहीं किया ठीक हो गया सर बहुत मेहरबानी थैंक यू सो मच। अच्छा जी जानू को दे रहे हैं इजाजत जानू आए हुए आल्टो पे और जा रहे हैं उमेर साहब कैमरा साफ कर लो जरा उमेर साहब अल्लाह हाफिज ओके अली मुलेर आई लव यू टू। ये तो फाइनली हम भी अब घर जा रहे हैं शहजाद भाई भी चले गए हैं अब हम भी घर जा रहे हैं बाइक हमारी रेडी हो गई है गाड़ी हमने वहीं खड़ी कर दी थी घर के बाहर ही क्योंकि छोटे मोटे मसले मसाइल थे तो चलते हैं बस घर और आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं अल्लाह हाफिज़ थैंक यू सो मच मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा शहजाद भाई ने भी बोला है अल्लाह हाफिज़ बाय बाय।